Good evening, everyone. So from today we have started a new initiative. That's that we will be bringing certain segregated and compiled current affairs based on the past happenings, especially from the year 2023. Now, so today's first topic we'll be looking at awards as honors in the year 2023. What will be containing? It will be containing important national, international, sports and other awards. Okay, so this will be into a series. Okay, there will be 10 to 15 current affairs on daily basis into one compilation. Okay, now let's look at our first slide. First, so here you can see PM Modi receives the Order of the Nile Award. Now, recently PM Modi visited Egypt. Okay, so वहाँ पर उनको कौन सा अवार्ड मिला था? वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड. एज यू माइट बी नोइंग दैट नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और अब वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है इजिप्ट के? सो वो है अब्दुल फतेह एल सीसी. ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी ने इजिप्ट के एक बहुत ही फेमस मस्जिद को भी विजिट किया था जिसका नाम क्या था? अल हकीम. ओके, नेक्स्ट, पीएम मोदी अगेन कन्फर्ड विद द ग्रीस हाईएस्ट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड. ठीक है, यानी कि उनको अब एक हमने देख लिया किसका? इजिप्ट का. दूसरा हम किसका देखेंगे? ग्रीस का. सी, पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत अच्छा बताया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉरेन पॉलिसी ही हैज बीन अवार्डेड इन टू पास्ट एंड टू प्रेजेंट बाय वेरियस कंट्रीज. ठीक है, सो इस साल उनको बहुत सारे कंट्रीज विजिट किए थे जहां के बहुत सारे हाई सिविलियन अवार्ड उनके मिले, इनको हम बारी बारी से आज की स्लाइड्स में देखेंगे. सो सेकेंड कौन सा हमारा? पीएम मोदी कन्फर्ड विद द ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड. अब ग्रीस के प्रेसिडेंट कौन है? कैटरीना. ठीक है, उसके बाद में द विजिट ऑफ to Greece by a PM was done in 40 years. यानी कि ग्रीस में 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा था, और वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, और जिनको ये अवार्ड मिला है. नेक्स्ट, पीएम मोदी रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फिजी. ना, फिजी एक ऐसा देश है जहां पर अराउंड 1/3 to 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडियन ओरिजिन. ठीक है, सो वहां का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? पीएम मोदी को मिला है. ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने पपुआ न्यू गिनी और जितने भी आइलैंड कंट्री, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज थे, स्पेशली माइक्रोनेशिया के, ठीक है, उनको विजिट किया था. ठीक है, नाउ अब इनको अवार्ड को, उस अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी. ठीक है, और फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेतिवेनी राबुका. ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सुरीनेम. अब सुरीनेम का है, सुरीनेम एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ऊपर की साइड, नॉर्थ साइड में तीन कंट्रीज हैं, गयाना, फ्रेंच गयाना एंड सुरीनेम. सो सुरीनेम में भी एक इंडियन पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों ने प्लांटेशंस की थी, और उन प्लांटेशन के लिए उनको क्या चाहिए थे? वर्कर्स चाहिए थे. तो उन वर्कर्स के लिए कौन लेके गया था उन्हें? फॉरेन पावर जो थी वो इंडियंस को लेके गई थी. ठीक है, सो उनको ये अवार्ड मिला है, और इस अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार. ठीक है, और वहां के प्रेसिडेंट, सुरीनेम के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी. ओके, नेक्स्ट, पीएम मोदी कन्फर्ड विद द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू बाय गवर्नर जनरल ऑफ पपुआ न्यू गिनिया. ठीक है, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ठीक है, सो पपुआ न्यू गिनिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा? आपका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू. नेक्स्ट, अगेन पीएम मोदी कन्फर्ड विद द लेजेंड ऑफ ऑनर अवार्ड. द लेजेंड ऑफ ऑनर अवार्ड ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ठीक है, आप ये कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों. ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं आपके कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड. अब स्पोर्ट्स अवार्ड में पहला, लियोनल मेसी विंस द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड. सेकंड, एमएस धोनी एंड युवराज सिंह अमंग फाइव इंडियंस टू रिसीव ऑनरी मेंबरशिप एट एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब. थर्ड, करीम बेंजेमा एंड एलेक्सिया पोटोलास वॉन द बैलन डियोर. ठीक है, इट इज द कोवेटेड अवार्ड इन फुटबॉल. नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग टाइटल. नेक्स्ट,
Koneru Hampi has won India's first ever silver medal at FIDE World Blades Championship. Next, Natu Natu song from RRR wins Best Song at Golden Globe Awards. Now, Adar Poonawalla honored with the Patang Rao Kadam Award for vaccine work. Now, you all might be knowing that Adar Poonawalla, that this name was highly highlighted during the COVID time. Okay, COVID time mein inhone hi kya kiya tha? Vaccines banane ka kaam kiya tha. Okay, inka jo Serum Institute tha, usne. Next, wrestler Khan Sahib Dada Sahib honored with Google Doodle. He was also known as Pocket Dynamo and winner of first Olympic medal for India. Now, agar question aata hai, first Olympic gold medal kisne jeeta, uska answer alag hai. Aur first Olympic medal India kisne jeeta tha, to wo kon aayenge aapke? KD Jadhav. Theek hai? Khan Sahib Dada Sahib Jadhav. Okay, jinko dusra inko nickname kya tha? Pocket Dynamo. Next, US model R. Bonnie Gabriel won Miss Universe 2022. Surya Kumar Yadav named T20 Player of the Year 2023. Next, Punjab Regiment adjudged as the best marching contingent at Republic Day 2023. Novak Djokovic won the Australian Open by defeating Stefanos Tsitsipas, and after that in men's single. Ye kis mein jeete the? Men's single mein jeete the. और उसके बाद में आपके आते हैं आर्याना सबालिंका वॉन विमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन बाय डिफीटिंग एलिना रिबाकिना. ओके, सो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड थे. इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम लेके आएंगे और अब आपको कंपाइल्ड रूप में ये करंट अफेयर मिलेगा ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, टिल देन टेक केयर. जय हिंद.